माफिया घबराया, सलाखों के पीछे सहम गया गैंगस्टर, माफिया पर दोहरी मार, गैंग में मची हाहाकार, पैंथर के पंजे से जेल में भी नहीं सो पाएगा डॉन। जेल की काल कोठरी में बंद माफिया मुख्तार अंसारी गर्दिश के दिन काट रहा है। किसी जमाने में जुर्म और आतंक की दुनिया का दुर्दांत किरदार रहा डॉन, आज कानून की जंजीरों में इस कदर जकड़ा है कि ना तो उसे जेल की चार दीवारी के भीतर नींद आ रही है, ना ही बाहर उसकी मुसीबतें कम होने का नाम ले रही हैं। माफिया के बुरे कर्मों पर योगी सरकार की पहले ही मार पड़ रही थी, तो अब पैंथर मुख्तार अंसारी के लिए नई मुसीबत बन गया है, जिसके आने से मुख्तार थर थर कांप रहा है। पैंथर का पंजा मुख्तार अंसारी के आपराधिक अकूत संपत्ति को पूरी तरह निस्तनाबूद करने वाला है। एक तरफ यूपी पुलिस के प्रहार से माफिया पहले ही पस्त हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब पैंथर नए अटैक के लिए तैयार है, जो माफिया के आपराधिक साम्राज्य को एक झटके में निगल सकता है। इनकम टैक्स विभाग की ये नई मुहिम प्रोजेक्ट पैंथर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों की निगहबानी करने वाला था। प्रोजेक्ट पैंथर न सिर्फ यूपी में बल्कि यूपी के बाहर भी काली कमाई पर सरकारी लकीर खींचने वाला है। माफिया मुख्तार अंसारी ने जुर्म और आतंक के बलबूते दिल्ली पंजाब जैसे कई राज्यों में बेनामी संपत्ति खड़ी की थी, जो अब प्रोजेक्ट पैंथर के जरिए ट्रैक की जा रही है। आयकर विभाग का ये पैंथर अब पूरे देश में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर नकेल कसने वाला है। उसकी काली कमाई की पहचान कर अब कुर्क करने की तैयारी चल रही है। इनकम टैक्स विभाग डॉन के उन प्यादों को भी पकड़ना शुरू कर चुका है, जो तमाम बेनामी संपत्तियों के सुराग जानते हैं। पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने माफिया के वफादार गणेश दत्त मिश्र को गिरफ्तार किया था। गणेश दत्त मिश्र माफिया मुख्तार का फाइनेंसर है, जिसके नाम पर मुख्तार अंसारी ने कई बेनामी संपत्तियां खरीद रखी हैं। इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार के इस वफादार से कई राउंड की पूछताछ की। इसके बाद मिले सुरागों के आधार पर ऑपरेशन पैंथर की शुरुआत की गई। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने गणेश दत्त के नाम से करीब 250 करोड़ की 50 से ज्यादा संपत्तियां खरीद रखी हैं, जिसकी कुर्की करने की तैयारी चल रही है। जेल की सलाखों के पीछे बैठा मुख्तार अपने आपराधिक आशियानों को उजड़ता देख रहा है। उसे लग रहा था कि यूपी के सरहद से बाहर उसके अपराध के किले महफूज हैं, लेकिन अब यूपी से लेकर कई राज्यों में उसकी काली कमाई आयकर विभाग के रडार पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।